जय हिंद। हम विद्यार्थियों के लिए मोदी जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना लाए हैं जिसका नाम है अग्निपथ योजना। इस योजना के हमें बहुत ही प्रभाव देखने को मिल रहा है। जहाँ देश के विभिन्न राज्यों में ट्रेनों को जलाई जा रही है, उनके पुतले को जलाई जा रही है। मोदी जी, आप कहीं ना कहीं से गलत है, इस बात को स्वीकारिए। ये बात केवल हम ही नहीं बल्कि भारत के बड़े बुजुर्ग और हमारे गर्जियन बोल रहे हैं कि आपका ये अग्निपथ योजना है जो वो गलत है। कहीं ना आप भी इस बात को स्वीकारिए, कहीं ना कहीं से आप गलत ही हैं। देखिए, आप जो योजना लाए हैं ना, इसके चलते आप कह रहे हैं कि सरकारी संपत्ति को नुकसान हो रहा है। हमारे जीवन को नुकसान नहीं हो रहा है, हमारे जीवन का कितना नुकसान हो रहा है। आप 6 वर्ष की नौकरी देंगे, फिर वहां से निकाल देंगे, इससे हम बाद में क्या करेंगे। इससे देखिए, आप जो हमारा जीवन महत्वपूर्ण है कि आपका ये योजना, हमारा जीवन महत्वपूर्ण है या आपका योजना। देखिए, हमारे देश का अमर शहीद भगत सिंह कह के गए हैं कि जो विद्यार्थी होते हैं वो देश के कर्णधार होते हैं। देश के कर्णधार होते हैं, हम कैसे कर्णधार बनेंगे। आप हम विद्यार्थियों के मनोबल को तोड़ रहे हैं। आप हम विद्यार्थियों के मनोबल को तोड़ रहे हैं, तो हम कैसे देश का कर्णधार बनेंगे। आपने बहुत सारी योजना लाई, जैसे 370 हटाए, ये अच्छा काम था, कोई उतना विद्रोह नहीं हुआ था। आखिर इस योजना में क्यों हो रहा है। आप कहीं ना कहीं से गलत हैं। और अब्राहम लिंकन के विचार को सुनिए, वे क्या कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र है। वो कहते हैं कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा ही शासन है। क्या हमारे लिए है जनता के लिए, हमारे लिए क्या है, कुछ नहीं है हमारे लिए, और बर्बादी है जनता का। आपको हम बनाए हैं और हम आपको निकाल भी सकते हैं। अब्राहम लिंकन को, आप भारत के लोकतंत्र को, जनता के भावना को नहीं समझ रहे हैं, और जनता के भावना को नहीं समझ रहे हैं कि आप लोकतंत्र का खंडन कर रहे हैं। जो आप उम्र रखे हैं ना 17 से 21 वर्ष तक, और बढ़ाकर 2 वर्ष बढ़ाकर 17 से 23 वर्ष की है ना, इससे कितना, 2-3 वर्ष बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। ये 2 वर्षों में क्या, 6 वर्षों में हम क्या करेंगे, फिर तो हमको बेरोजगारी आना ही है। इस बात को समझिए, जो 15 से 20 साल की उम्र होता है ना, 15 से 20 वर्ष का उम्र, इसमें जो विद्यार्थी होता है ना, इसमें विद्यार्थी वो कुछ विज्ञान के चमत्कारों को, विज्ञान के बारे में सीखता है, कुछ प्रभाव उसका देखता है, नेचुरल समाज को देखता है। और इसी उम्र में उनके अंदर परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी आती है। लेकिन आप इस उम्र में आपने योजना बना रखा है कि नहीं, 17 से 23 वर्ष में बॉर्डर पर जाओ और गोली चलाओ। इस उम्र में हमारा काम है, हम सीखते हैं, कुछ परिपक्वता होती है, और जाएंगे वहां पर, जाओ बॉर्डर पर गोली चलाओ। और आप कभी गोली छुए हैं, बंदूक छुए हैं, आप दूसरे से जाएं वहां पर भारतीय सेना के पुंछ में पहुंचा दो, दूसरे से आप कभी नहीं छुए, आपको दे दिया जाए तो आप कर लेंगे। हमको इतने कम उम्र में भेज रहे हैं, और ये भी नहीं कि भेज रहे हैं तो एकदम आसानी से। आपका रूल वही है, दौड़ो यहाँ उतना दौड़ो, दांत में पेंगे दांत कि दांत दिखाओ, 32 नहीं, 28 नहीं है, 26 है, हटाओ इसको हटाओ। चेस्ट नापेंगे, दिखाओ चेस्ट कितना है, नहीं चेस्टों में हटाओ, कहीं से आप छाटिए देंगे। आज जब हम गलियों में जाते हैं ना, तो बड़ बुजुर्ग और हमारे गार्जियन बोलते हैं, सब बोलते हैं कि आप गलत है। हम ही नहीं बोलते हैं, हम भारत के ही ना, सब बोलते हैं कि आप गलत है। इस बात को आप भी स्वीकारिए। हम जाते थे 3 बजे भोर में, गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे जाड़े हो, कुछ भी का मौसम हो, हम लोग जाते थे। लेकिन अब क्या करें, न जाओ, कोई फायदा नहीं है। 6 वर्ष की नौकरी के लिए क्या करोगे, कुछ ऐसा नौकरी करो जिस जहाँ पर तुम कम से कम, अरे यार 200 वर्ष का होना चाहिए, 4 से 6 वर्ष कर दिए। सब लोग हमारे गांव में नहीं, या गांव से राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, जिला से राज्य स्तरीय, और देश स्तरीय भी बन सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय भी बन सकता है। इस बात को समझिए। हमें आपसे विनती है कि इन जो विद्रोही है, विद्रोही मतलब हम जो युवा हैं, जो कर रहे हैं, उनको इनमें कुछ सकारात्मक बिंदु, कुछ पॉजिटिव पॉइंट को देखिए। आपको कहीं ना कहीं हमारे भावनाओं सही भावना जरूर आपको नजर आएंगी। आपसे अपील है कि हमारे भावनाओं पर आप अमल कीजिए। इतना ही बस आपसे कहना चाहूंगा।